गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास सेवेंथ की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम का आठवां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि लेखक और साहित्यकार, महान साहित्यकार की प्रेमचंद्र के बारे में है। ऐसे थे प्रेमचंद्र। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के जीवन व्रत की भावात्मक प्रस्तुति की है। इस जीवन व्रत में लेखक ने जहां प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख कर उनकी गरीबी और घुटन भरे जीवन की ओर संकेत किया है, वहीं स्वतंत्रता संघर्ष में उनके बेबाक और निर्भीक योगदान को भी रेखांकित किया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरूतियों का तीव्र विरोध किया है। कुरूतियाँ मीन्स जो गलत रीतियाँ रिवाजें चली आ रही थी, उनका विरोध किया है। केवल 56 वर्ष की आयु में प्रेमचंद हिंदी साहित्य को सैकड़ों कहानियाँ और दर्जनों उपन्यास दे गए। कथा साहित्य में उन्हें अपूर्व ख्याति मिली और हिंदी साहित्य जगत में उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी से भी विभूषित किया गया। इसमें बच्चों प्रेमचंद के पूरे जीवन परिचय बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किस प्रकार से उनका जो है उनका योगदान रहा, स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, उनका जीवन किस प्रकार से बीता, उन्होंने किन किन कहानियों का उल्लेख किया है, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, कितनी कविताएं लिखी, उन्होंने जो भी छोटी या बड़ी चीज़ की गई है उनके द्वारा की गई है, वो सब इसमें इस कहानी में लिखा गया है, उनके जीवन वृतांत में लिखा गया है। तो बच्चों आप एक बार से उन्हें पढ़ना और इस पूरे पाठ को पढ़ना अच्छी तरीके से और याद करना, और इस कहानी से इनकी जीवन शैली, इनकी जीवन वृतांत से हमें एक चीज़ सीखने को भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है कि अथक परिश्रम से ही व्यक्ति महान बनता है। यानी हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं जब ही कुछ अपने जीवन में कर पाते हैं। तो प्रेमचंद के बारे में इसमें बहुत कुछ दिया गया है जो कि आप इस पाठ के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से एक बार से पढ़ना और याद करना। यह आपके कुछ शब्द पोटली दी गई है जो कि आपको आपके पाठ पढ़ने में सहायता करेगी। आपके ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।